परेशानियां है। ये मायकी साहब जहां से आते हैं कलकत्ता बंगाल से, काली पूजा और दुर्गा पूजा में अरबों खर्च होते हैं, फिर भी बंगाल दरिद्र का दरिद्र है, कायर का कायर है। तीन तीन बार पुरुषोत्तम इस धराधाम पर आया, फिर भी यह बीमारी नहीं ठीक हो रही है। हमें सोचना चाहिए इन बातों को। मैं शिकायत नहीं कर रहा। आज कुछ दिन पहले यहाँ विश्व गुरु महोत्सव में हमारे प्रीति गोपाल दत्तराय जी ने बड़े जोर से, बड़ी ऊंची आवाज में माइक से कहा कि बंगवासियों से मैं पूछना चाहता हूं कि तीन तीन बार पुरुषोत्तम हमारे बंग भूमि में आए, चैतन्य महाप्रभु के रूप में, रामकृष्ण देव के रूप में, ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के रूप में, क्या यह मेरा मजाक है? हम बंगालियों को यह मजाक है या हमारे गौरव की बात है? प्रीति गोपाल दत्तराय जी मेरे सामने बैठे हैं, उनके मुंह पर मैं करा। ये जो समस्या है, इसके मैकेनिज्म को समझना होगा। मैकेनिज्म का अर्थ यह है कि काली की श्रद्धा होनी चाहिए, दुर्गा की श्रद्धा होनी चाहिए, शिव की श्रद्धा होनी चाहिए, गणेश की श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन जो परम पिता की यह विभूतियां हैं, उन विभूतियों की तो आप श्रद्धा करते हो और उस विभूति को भूल जाते हो। या तो ठीक वैसी ही बात हुई कि एक सती नारी अपने पति का कोई केयर न करे, आप पति के भाई का, पति के बाप का, पति के बाबा का के दीवार में टंगे फोटो को अगरबत्ती दिखावे, या तो ठीक वैसी ही बात हो रही है। तो ऐसी नारियों के शरीर से तो कोई सुसंतान जनता हो नहीं सकता। जो पति में अनुराग नहीं रखती है, वह नारी सुसंतान की जननी नहीं हो सकती। उसी प्रकार हम हो या जो आज के परम पिता में, आज के पुरुषोत्तम में अनुराग नहीं रखता, उसकी आज्ञा नहीं मानता, उसका अनुसरण नहीं करता और उनकी विभूतियों काली और दुर्गा में की अगरबत्ती दिखाता है, उससे कुछ भी नहीं हो सकता। मैं यह बात विद ऑल ऑथोरिटी कह रहा हूं, और मेरी बात अगर यह गलत है तो देवताओं का देश भारत आज भूत का बसेरा क्यों बना हुआ है? मैंने कहा हमारा शास्त्र किसी की अश्रद्धा नहीं सिखाता। मैं यह अश्रद्धा के लिए नहीं कह रहा हूं। हमारा शास्त्र तो कीट पतंगों को श्रद्धा सिखाता है, पशु पक्षियों को श्रद्धा और प्रेम करने की बात कहता है। हमारा ठाकुर तो कहता है लर्न टू सी ब्यूटी इन इवन लवलीनेस। लेकिन मैं कहना यह चाहता हूं कि गीता कहती है कि जे पण्य देवता भक्ता इजंते श्रद्धा जानविता ते भी माम एव कौन्तेय अभिधपूर्वक। अभिध पूजा से समस्या का समाधान नहीं होता। हिसाब यदि बनाना हो तो हिसाब बनाने का एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले से यदि बनाओगे तो हिसाब बनेगा, यदि बिना फॉर्मूले के बनाओगे तो हिसाब कभी नहीं बनेगा। उसी प्रकार अस्त्र वृद्धि का, जीवन में सफलता प्राप्ति का एक रास्ता है, और वह रास्ता है परम पिता के प्रति सत्यत्व का पालन। ठाकुर कहते थे देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ चेस्ट वाइफ एंड अ चेस्ट डिसाइपल। जैसे सती नारी ही सुसंतान की जननी हो सकती है, उसी प्रकार पुरुष हो या नारी, हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी, भारतवर्ष का हो या इंग्लैंड अमेरिका का, उसमें आज के जगत गुरु के प्रति यदि सत्यत्व नहीं है तो उसे कुछ भी नहीं हो सकता। त्रेता में विश्वामित्र के ऐसा ज्ञानी था, वशिष्ठ के ऐसा ज्ञानी था, परशुराम के ऐसा धनुर्धर था, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा। दशरथ के ऐसा चक्रवर्ती सम्राट था, रावण महापंडित था, वो कोई लफंगा नहीं था, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा था। इन स्पाइट ऑफ ऑल दी स्टारवार्ड्स एंड असेसमेंट, द डे टू डे प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी वॉज नॉट सॉल्व। भगवान राम आए,
और चुटकी बजाते हुए सारी समस्याएं समाप्त होती। द्वापर ने भीष्म पितामह के ऐसा शस्त्र का ज्ञाता, शास्त्र का ज्ञाता, आठ पशुओं में एक पशु था, गुरुवंश के ऐसा स्थापित साम्राज्य, द्रोणाचार्य के ऐसा धनुर्धर, कृपाचार्य के ऐसा धनुर्धर, कर्ण के ऐसा धनुर्धर, शल्य के ऐसा पहलवान, सब तो थे ही, लेकिन समस्याएं नहीं सुलझ रही थी। In spite of all these stalwarts, warriors and statesmen, the problem of the society was not solved at all. यह हालत थी कि भरी सभा में मां द्रौपदी का चिरहरण उड़ रहा था। ऐसी हालत थी कि चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ की पोतोहू को लंपट रावण चुरा ले गया। जो आज देख रहे हो, सुन रहे हो, अखबारों में पढ़ रहे हो, मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि सोसाइटी की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा था, लेकिन त्रेता में राम ने चुटकी बजाते हुए सुलझा दिया। द्वापर में भगवान कृष्ण ने उसे चुटकी बजाते सुलझा दिया। उसी प्रकार आज के दिन मैं जब बच्चा था तो मैं एक बार अपने बाबा के साथ प्रयागराज गया था इसी कुंभ में, आज से जो कुंभ लग रहा है, वहां एक महीना रहा था और मैं घूम घूम के देखता था। उस समय इतनी भीड़ नहीं जुटती थी, फिर भी 50,000-1,00,000 आदमी तो जुटते ही थे। उस समय मैं देखता था कि वो अखाड़ा, ये जूनागढ़ का अखाड़ा, ये नासिक का अखाड़ा, ये अद्वैत का अखाड़ा, ये वेद का अखाड़ा, आपस में सब लड़ते ही रहते। आज शाही स्नान का बेरा है तो अयोध्या अखाड़ा के साधु जा रहा है तो दूसरा जा नहीं सकता है गंगा में। अगर कोई जा रहा है तो वहीं पर खून खराबी, हाला, फरसा, लाठी चलने लगता था। अर्थात ये संप्रदायों की लड़ाई थी और मैंने तो कम देखा। मेरे बाबा तो और ज्यादा बताते थे ये द्वैत संप्रदाय है, विशिष्ट अद्वैत संप्रदाय है, ये अद्वैत संप्रदाय है, और इन संप्रदायों की लड़ाई में क्या क्या नहीं होता था। आज तो ये संप्रदाय की लड़ाई नहीं दिखलाई पड़ती, ना। मैं यह कहना चाहता हूं कि पुरुषोत्तम जब आता है तो उसका जो जीवनवाद है, उसकी जो बताई नीतियां हैं, उसके जो बताए रास्ते हैं, उस पर यदि हम आप चलने लगो तो ये समस्याएं चुटकी बजाते समाप्त हो जाए। धीरे धीरे समस्या समाप्त होती जा रही है। मैंने एक उदाहरण बताया कि अब तो संप्रदाय की लड़ाई नहीं दिखलाई पड़ती। हिंदुओं में पहले, आज जैसे हिंदू संप्रदाय और मुस्लिम संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय और क्रिश्चियन संप्रदाय के बीच दुनिया में लड़ाई चल रही है, उससे ज्यादा भयानक लड़ाई भारतवर्ष में द्वैत संप्रदाय और द्वैत संप्रदाय, विशिष्टाद्वैत संप्रदाय, ये जूनागढ़ अखाड़ा, ये नाची का अखाड़ा, कितनी लड़ाइयां होती थी। वो लड़ाई तो समाप्त हो गई। क्यों मुखर्जी साहब, मैं गलत कर रहा हूं? आज तो कहीं सुनाई नहीं पड़ता। अर्थात पुरुषोत्तम जब आता है तो वह जीवन पर्थन के नीति विधियों को बताता है और उस पर चलने वाले 10-20 आदमी भी यदि ईमानदारी पूर्वक से चलते रहे तो उनके नक्शे कदम पर पूरा समाज धीरे धीरे आने लगता है। भगवान द्वापर में आए कृष्ण के रूप में और वो कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे, जदा जदाई धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं श्रियम्यं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी जुगे जुगे। ये संभवामी जुगे जुगे धर्म संस्थापनार्थ का क्या मतलब? ठाकुर गीता में कहता है, कृष्ण गीता में कहता है कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी जुगे जुगे, क्या मतलब? जैसे मां के गर्भ में बीज संस्थापित होता है, जैसे किसान खेत में बीजों को संस्थापित करता है, उसी प्रकार मेरे जीवन में, सौरभ मुखर्जी ऐसे लोगों के जीवन में, 2-4, 10-20, 100-50, 200 परिवार में, भारतवर्ष और दुनिया में यह जो धर्म का बीज संस्थापित हुआ है वह मुकुलित हो रहा है, वह प्रस्फुटित हो रहा है, वह पल्लवित हो रहा है। और जैसे धीरे धीरे किसान अपने फसल की रखवाली करता है और वह गेहूं की पौध बढ़ती है
और एक समय आता है जब वो बल लड़ियों से भर जाता है और उसे काट करके किसान अपने बखारी को भर लेता है। उसी प्रकार यद्यपि आज छोटा आंदोलन लग रहा है, सत्संग आंदोलन आज बहुत छोटा लग रहा है, मैंने पहले ही कहा जमशेदपुर का कितना नाम था, आज क्या हालत है, यद्यपि यह छोटा लग रहा है फिर भी यह एक आंदोलन नई सृष्टि को जन्म दे रहा है। मैं बचपन में जब मैं विद्यार्थी था तो मैं पॉलिटिशियन के साथ रहा करता था और अटल बिहारी वाजपेयी तो ब्राह्मण थे और बड़े ओजस्वी वक्ता थे, उनके मीटिंग में तो कुछ संख्या में लोग आ भी जाते थे, 100, 200, 300। कर्पूरी ठाकुर और लोहिया के मीटिंग में 50-100 से कभी बेसी आदमी नहीं रहता, किसी मीटिंग में 50 आदमी, किसी में 100 आदमी, कि मैं अपनी आंखों से देखा। लेकिन आज उसने कब्जा कर लिया पूरे भारतवर्ष पर, पूरे भारतवर्ष, राष्ट्रपति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, उपराष्ट्रपति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, दिल्ली के तख्त पर भाजपा आसीन है और यहाँ रांची के तख्त पर भी भाजपा आसीन है। और उस समय में अटल बिहारी वाजपेयी, कर्पूरी ठाकुर और लोहिया की सभा में 100, 50, 200 आदमी आते थे, इसलिए इसे छोटा आंदोलन न समझो, यह एक नई सृष्टि ला रहा है। और आंदोलन में तो गति परिवर्तित होती है, कांग्रेस की जगह पर भाजपा आ गई, सोशलिस्ट पार्टी वाले आ गए, राम मनोहर लोहिया आ गए, मुलायम सिंह यादव आ गए, इससे मेरा आपका क्या फायदा होगा? यह आंदोलन व्यक्ति निर्माण का टकसाल है, परिवार निर्माण का टकसाल है, जाति निर्माण का टकसाल है, जजन जाजन निष्ठवृत्ति स्वश्रेणी सदाचार आदि का अभ्यास करने वाले मेरी इस बात की सत्यता को परख रहे होंगे कि जो जजन याजन निष्ठवृत्ति स्वश्रेणी सदाचार का सदीक्षा लेकर अभ्यास करता है उसके व्यक्तित्व का में निखार आता ही जा रहा है, उसके परिवार में वृद्धि ही आती जा रही है। और जो सुविवाह की नीति विधियों को मानता है, सुप्रजनन की नीति विधियों को जो मानता है, अभी वर्णाश्रम की चर्चा माइकी साहब कर रहे थे, हमारे प्रीति गोपाल दत्तराय कर रहे थे, वर्णाश्रम में सुविवाह बहुत आवश्यक तत्व है, सुविवाह में वर का चयन निश्चित रूप से अपने से उच्च वंश या अपने समकक्ष वंश में होना चाहिए। मैं आपको एक कथा बड़े दुख से सुना रहा हूं। कुरुवंश की माता, कुरुवंश की राजमाता सत्यवती की पहली शादी पराशर ऋषि से हुई थी। पराशर ऋषि से माता सत्यवती ने वेद व्यास के ऐसे त्रिकालदर्शी को पैदा किया जिसके समान दूसरा कोई ऋषि इस वैवस्वत मनमंत्र में हुआ ही नहीं। सारे वेदों का वेद अभ्यास ने व्यास किया, सभी पुराणों की रचना की, उपनिषदों की रचना की, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की, महाभारत ऐसे विशाल ग्रंथ की रचना की और भागवत ऐसे भक्ति काव्य की उन्होंने रचना की। भारतीय वांग्मय में, हिंदू शास्त्र में जो कुछ भी है वह सब वेद अभ्यास का किया हुआ। वन हैंडेड एफेयर कहा जाता था कि व्यास उच्छिष्ट जगत सर्व, इस जगत में जो कुछ भी है वह सब व्यास का उच्छिष्ट है। लेकिन माता सत्यवती, वेद व्यास की मां, ने जब सत्यत्व का अनादर कर दूसरी शादी महाराजा शांतनु से की तो उनसे उनकी दो संतान पैदा हुई, एक का नाम था विचित्रवज और दूसरे का नाम था चित्रांगद। चित्रांगद तो इतना लफंगा था कि अपने ही ऐसे एक लफंगे से लड़ता हुआ मारा गया जैसे आज